कुछ तगड़ी डील्स मिली है हमारे वेबसाइट में, जोकार्ट में आने वाली है या आएगी या आ चुका होगा, या आप लोग, मैं जो आप लोग को डील बताने वाला हूँ तगड़ी डील सेकेंड हैंड पीसी पार्ट्स में, आप जाके वेबसाइट में देख लेना। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस सपोज मतलब अगर जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ जो वीडियोस में जो डील्स बता रहा हूँ जो अच्छी अच्छी डील है, वो इन केस अगर वेबसाइट में लिस्ट नहीं भी होता है ना, तो आप मुझे मैनुअली भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके या मेरे व्हाट्सअप में आके भी चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तीन कुछ कुछ सेलर्स ऐसे हैं हमारे कि भाई लेजी भाई लोग है, आलसी भाई लोग है, मेरे को मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का पूरी डिटेल और प्राइस बता देते हैं लेकिन लिस्ट नहीं करते हैं। आलसी लोग हैं, बोलते हैं कि आप ही करवा दो, आप ही लिस्ट कर दो, यार मेरा टाइम नहीं मिलता, वेबसाइट में जाऊँ लिस्ट करूँ। तो अगर आप मैनुअली किसी को सेल कर सकते हो तो भी सेल कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे प्राइस दे। तो आजकल तो मैं यूट्यूब में भी आजकल अपने बंदों लोग को, मैं अपने सब्सक्राइबर लोग को तो मैं आजकल वीडियो में बता ही रहा हूँ, तो उन लोग भी वहाँ से भी खुद काफ़ी लोग हैं मुझसे मैनुअली भी काफ़ी ऑर्डर किए हैं, तो वहाँ से भी मैनुअली भी ऑर्डर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आप लोगों को जल्दी स्टार्ट करता हूँ। कुछ अच्छी डील हैं जो हमारे वेबसाइट में आने वाले हैं, कुछ कुछ हो सकता है आपको अच्छे लगे, कुछ कुछ हो सकते हैं नॉर्मल लगे डील, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एक 6th generation का प्रोसेसर i3, अगर किसी को इनकेस किसी को 6th या 7th generation का ऑलरेडी मदरबोर्ड है, अगर किसी को अपग्रेड करना है सिर्फ प्रोसेसर, तो i3 6100 अवेलेबल है हमारे पास। और ये बोल रहे हैं कि 3000 rupees इंक्लूडिंग शिपिंग, और ये 7 days का टेस्टिंग वारंटी भी दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डील है 3000 में, यार i3 6th generation का मेरे ख्याल से 3000 के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये i3। उसके बाद अगला है, एक तगड़ा ऑफर है भाई, Eno 3D का 1660 Ti ग्राफिक्स कार्ड है, और भले इसमें वारंटी ख़त्म हो गया बोल रहा है बंदा, तो बोल रहा है कि बिल गुम हो गया इसलिए ये सब है, लेकिन मतलब एक्चुअली रियल में वारंटी में था लेकिन बिल गुम हो गया, तो इसीलिए वारंटी का कोई श्योर नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपको वारंटी मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए क्योंकि आजकल कोई भी ब्रांड हो, आजकल भाई बिल मांगता है हर कोई। पहले कुछ टाइम पहले मतलब अगर आप पहले 5-6-7-8 महीने अगर बात करेंगे अगर, तो एटलीस्ट कुछ कुछ ब्रांड है जो सीरियल नंबर के हिसाब से अगर बिल नहीं होता है, इनकेस अगर बिल ना हो तो इनकेस तो आप लोग को सीरियल नंबर के हिसाब से आपको वारंटी दे देता था कोई कोई, काफ़ी ब्रांड्स थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली सब लोग बिल मांगता है, इसलिए वो बंदे ने सेलर ने कोई गारंटी नहीं लिया है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 1660 Ti आप लोग को 12,500 में छोड़ देंगे, ले जाओ क्या याद करोगे आप भी। तो 12,500 में 1660 Ti मिल जा रहा ना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डील है। मैं तो 12,000 में नॉन वारंटी वाला 1660 सेल कर रहा था तो बिक भी रहा था, लेकिन ये बंदा 1660 Ti 12,500 में दे रहा है, अच्छी डील है। भले वारंटी ना हो लेकिन 12,500 के हिसाब से बहुत अच्छा प्राइसिंग है ये, तो आप ले सकते हैं ठीक है। उसके बाद है Eno 3D का RTX 3060 है, ये एक्चुअली ब्रांड न्यू है लेकिन सील्ड है। एक्चुअली मैं सेकेंड हैंड के बताता हूँ लेकिन एक्चुअली ये सील्ड नया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका प्राइसिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बेच रहे हैं 28,000 rupees में सिर्फ, ये RTX 3060 आप लोग को नया मेरे ख्याल से 32,000 के आसपास में है, तो ये 4,000 का डिफरेंस है, 4,000 आपको कम प्राइस में मिल रहा है। अगर 28,000 में RTX 3060 पूरा ब्रांड न्यू सील्ड है और फुल वारंटी भी मिलेगा आपको, 3 ईयर्स वारंटी और बिल आपके नाम पे होगा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील 28,000 में RTX 3060 मिल रहा है। तो उसके बाद है अगली डील है, यार ये डील तो मुझे बहुत मतलब मुँह में पानी आ गया, ऐसा डील है ठीक है, जोटेक का RTX 3070 ठीक है। जोटेक का छोड़ा Eno 3D भी होने से भी ना मतलब Eno 3D गैलेक्सी वाले जो थोड़ा कम प्राइस वाले ब्रांड होते हैं उनका होने से भी बहुत अच्छी प्राइसिंग है। जोटेक का RTX 3070 बिल बॉक्स अवेलेबल है और वारंटी है 2024 तक, और उसका प्राइस है सिर्फ 29,500 रुपये। सोचे हो भाई, RTX 3070 बोल रहा हूँ भाई ठीक है, 29,500 रुपये बहुत अच्छा प्राइसिंग मुझे तो लगा भाई ठीक है। और उसके बाद अगर जिसको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बुक कर सकते हैं, जो जितनी जल्दी बुक करेगा जितनी जल्दी पे करेगा मैं उसके नाम पे कार्ड उसके नाम पे हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद है RX 6700 XT है, MSI Mac मॉडल MSI का RX 6700 XT, और ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एक दिन पुराना है, अच्छा एक दिन पुराना है और 3 ईयर्स का वारंटी है, तो एक दिन पुराना मतलब थ्री इयर्स ही मान लो वारंटी भाई ठीक है। और इसका प्राइस है नया मिलता है आपको, इसका प्राइस है नया 43,000 rupees ठीक है, 40,000 में मिलता है और ये सेल कर रहे हैं 33,500 ठीक है। बस इतना ये है कि ये ओपन मतलब जस्ट ओपन कर चुका है लेकिन यूज़ नहीं किया, पूरा ब्रांड न्यू है कार्ड, चकाचक है आप फोटो में देख सकते हैं, पूरा बस मस्त चकाचक चमकता हुआ कार्ड है ये पूरा। 33,500 पूरा ब्रांड न्यू मिल रहा है यार, और ये नया मिलता है आपको 43,000।
मतलब यार 10,000 रुपये का फर्क है यार, 10,000 रुपये का फर्क बहुत होता है भाई। जस्ट ओपन करके देख लिया बस कि कार्ड सब कुछ ओके है कि नहीं भाई, इतने के लिए 10,000 रुपये कम में मिल रहा है यार, और क्या चाहिए बताओ यार। ऐसा डील कहीं मिलेगा आपको? ज़ोकार्ट में मिलता है भाई, ओएलएक्स में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं। आसूस का है एक, अच्छा आरटीएक्स 3060 है एक, आसूस का डुअल मॉडल आता है, 5 to 6 days ओल्ड है बोल रहे हैं, और इसमें बिल है और फुल वारंटी है। ठीक है, पूरा 3 years वारंटी है, 3 years वारंटी का है, 5-6 दिन पुराना है, तो एक तरह से पूरा 3 years ही वारंटी मान लो। ठीक है, एक ही बात है, और ये बेच रहे हैं 26,500 रुपये में। तो 26,500 रुपये में सिर्फ 6 दिन पुराना, बहुत अच्छा प्राइसिंग है यार भाई। मतलब अगर आसूस का डुअल आरटीएक्स 3060 में निकल जाए 32-33,000 में आता है मिनिमम, सिर्फ 5-6 दिन पुराना है, तो यार 26,500 में यार बहुत अच्छी डील है यार मेरे ख्याल से, यार बहुत अच्छा डील है ये सब। ठीक है, आज मैं तगड़ा डील लेके आया भाई। ठीक है, जिसको सोचिए बता देना। उसके बाद सफायर का RX 584 GB, अगर जिसका बजट अगर 8,500 रुपये का करीब ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहते हैं, तो ये RX 584 GB 8,500 रुपये में दे रहे हैं। वारंटी तो नहीं है, लेकिन आपको 3 days का टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगा आपको। आप 3 days के अंदर आराम से चेक कर लेना, जिस तरह से टेस्ट करना टेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इनकेस आता तो रिप्लेसमेंट और रिफंड का मेरा हम लोग का गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो लेकिन 8,500 के हिसाब से अगर आपको वारंटी मैटर नहीं करता है ना, तो ये 584 GB बहुत अच्छी प्राइसिंग है 8,500 रुपीज़ में। अगर आप वारंटी वाला ढूंढ रहे हैं, तो आपको फिर 8,500 के आसपास में आपको मेरे ख्याल से 1050 Ti या 6 GTX 1650 ऐसा कार्ड मिलेंगे। और ये तो भाई इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करता, लेकिन 580 इससे बहुत फार बेटर डिफरेंस है। तो अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वारंटी इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी डील है। अगर आप वारंटी देख रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद अगला बढ़ते हैं। एक और अच्छी डील है, कलरफुल का आई गेम मॉडल आता है, जो आई गेम ट्रिपल फैन वाला, ये RTX 3060 12 GB वाला, ये 1 year वारंटी बाकी है अभी भी, और 26,500 रुपये में दे रहे हैं 26,500 रुपीज़ में। तो मेरे ख्याल से 26,500 मुझे ये प्राइसिंग ना ठीक भी लगा, नहीं भी ठीक है ओके ये, लेकिन एक्चुअली कि आई गेम का प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से RTX 3060 आई गेम वाला थोड़ा महंगा है, 34-35 के आसपास में है, तो 26,500 में दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ओके ही डील है, नॉट बैड, तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद है एक 1660 सुपर है, आसूस का टफ गेमिंग वाला मॉडल, आपको ये बिल बॉक्स अवेलेबल है, और 2 years 2 months वारंटी बाकी है, 2 years और 2 months, चल 2 साल पकड़ लो कम से कम, तो भी प्राइसिंग इसका बहुत अच्छा है, 14,500 रुपीज़ मिल रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग अच्छी है ये सब। तो आप ले सकते हैं जिसका बजट 14-15 हज़ार के आसपास में और वारंटी का ढूंढ रहे हैं, तो 1660 सुपर सबसे बेस्ट चॉइस है, आप आँख बंद करके ले सकते हैं, अच्छी प्राइसिंग है। उसके बाद लास्ट डील है, एक फुल सेटअप फुल पीसी सेटअप है, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड अपने हिसाब से जिस तरह आपका रिक्वायरमेंट आपका बजट के हिसाब से आप लगा सकते हैं, जो फुल सेटअप दे रहे हैं 30,000 रुपीज़ में। ठीक है, मैं इसका आपको स्पेक बता देता हूँ, राइजन 5 3600X 3600X और गीगाबाइट का B450M DS3H मदरबोर्ड, 8 GB रैम, 256 GB NVMe SSD, 1 TB हार्ड ड्राइव, और 600W SMPS, और एनटेक का RGB केस जो देख पा रहे फोटो में, ये एनटेक का RGB कैबिनेट बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा, और 3 साल वारंटी अभी भी बाकी है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 3 साल का ऑलमोस्ट 3 साल वारंटी है, और टोटल बोल रहे हैं कि 30,000 रुपीज़ में। यार मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील है ये, आप ये ले सकते, जिसको 30,000 में अगर बजट है ना, और जिसको वारंटी वाला चाहिए, आपको इस जो ये पूरा सेटअप के हिसाब से जो परफॉर्मेंस आपको देगा ना, 30,000 में आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई 3 साल वारंटी के साथ। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छी डील लगी मुझे तो। उसके बाद आप इसमें इस पर ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, 1660 सुपर या RTX 2060 या RTX 3050 3060, सबसे बेस्ट बैठेगा इसके साथ, इस प्रोसेसर के साथ आप ले सकते हैं, वो अपनी आपकी आपका चॉइस के हिसाब से या आपकी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर सकते हैं। SMPS भी ऑलरेडी 600W का है, आपको SMPS भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो आज इतना ही डील था, तो होप गाइस आप लोग आज का वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और होप आज की डील भी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे भी इसमें भी कुछ मुझे 2-3 डील अच्छी लगी मुझे, जो आप लोग को लेना चाहिए, आप खुद ही सोचो कौन सा लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।